हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर गिवन बिलो। एक फिगर दिया हुआ है और इसमें हमें शेडेड पार्ट को कैलकुलेट करना है। पाई का वैल्यू 3.14। इसमें क्या दिया हुआ है कि स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का साइड है 14 सेंटीमीटर और इस स्क्वायर के सेंटर में एक और डायग्राम बन रहा है। उसमें क्या दिख रहा है कि हमें एक स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के चारों साइड पे एक एक सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है और ये जो सेमी सर्कल है, इसका मेजरमेंट दिया हुआ नहीं है, साइड दिया हुआ नहीं है हमें, उसके बदले ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो गया, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो ये 3 और 3 6 कट गया उसमें से, तो 14 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। इस 8 सेंटीमीटर में क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या हो गया, स्क्वायर का साइड हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक पार्ट, दो पार्ट और ये तीन पार्ट, ये तीन पार्ट मिलके क्या हो रहा है, 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, लेट स्क्वायर के साइड को एक्स एज्यूम कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ इनर स्मॉल स्क्वायर बी एक्स सेंटीमीटर। स्क्वायर के साइड को अगर एक्स एज्यूम कर लेंगे, ये पूरा साइड एक्स हो गया, तो सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा x बाई टू, देन रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू x बाई टू सेंटीमीटर। ये x बाई टू हो गया, तो ये भी x बाई टू हो जाएगा, ये साइड है ये x हो गया और ये भी x बाई टू, यहाँ से यहाँ तक मिला के कितना हो रहा है, 8 सेंटीमीटर। देन डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे x बाई टू प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कैसे आया एक बार फिर से समझते हैं, स्क्वायर के साइड को एक्स एज्यूम कर लिए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू, ये एक्स बाई टू किसके बराबर है, सेमी सर्कल के रेडियस, सेमी सर्कल का रेडियस हो गया एक्स बाई टू, तो ये सेमी सर्कल का रेडियस, सेमी सर्कल का रेडियस और ये स्क्वायर का साइड, ठीक है, तीनों मिला के कितना हो रहा है, 8 सेंटीमीटर। तो एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू ये बन गया एक्स, प्लस एक्स इक्वल टू 8, एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर का जो साइड है वो आ गया 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है, रेडियस क्या हो जाएगा, x बाई टू यानी 4/2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अनशेडेड पार्ट है पूरा, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, शेडेड पार्ट कैलकुलेट करना है। तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये अनशेडेड पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें शेडेड पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस अनशेडेड पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट। तो ये अनशेडेड पार्ट का एरिया कैसे मिल रहा है, उसमें एक स्क्वायर है और 4 सेमी सर्कल है, तो एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर का जो साइड आ रहा है वो 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 4 × 4 ये तो आ गया एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर प्लस 4 × 4 सेमी सर्कल है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, 1/2 πr² और 4 सेमी सर्कल थे इसलिए 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 × 4 = 16 हो गया ये, और 4 × 1/2 × 20 πका वैल्यू बोला है इस क्वेश्चन में 3.14 यूज़ करने, 3.14। रेडियस जो आया है वो 2 आया है, ठीक है, रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो 2 से ये कट गया 2 बार में, तो 16 + 2 × 4 = 8 × 3.14, तो 16 + 3 = 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 × 4 = 32, 3 carry 8 बन जाएगा 8, 3 11 का 1, 1 = 24, 25 ये आ गया 2512, तो 25.12, तो 16 और 25 ये हो गया 41.12 cm² एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट आ गया। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट जो है वो पूरे स्क्वायर के एरिया में से अनशेडेड पार्ट को माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था, 196, स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 14, तो 14 × 14 हो जाएगा 196 माइनस 41.12, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 196.00 माइनस 41.12,
ठीक है, ये हो गया 100 में से 12, ये हो गया 5 में से बन गया 4, और 19 में से 4 चला जाएगा तो 54, 15, तो ये आ गया 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें मिल गया एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, हमारा कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है।